जिंदा, लोगों की बड़ी तादाद शरीक, हर आंख अश्कबार। गुज़िश्ता रोज़ आले भारतीय फौज ने 3 साल नवासे के सामने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया था। मासूम आयाद लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफाकियत देखता रहा। जन्नत नजीरवादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। राजौड़ी में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, खातीन से बदतमीजी। मजामत पर नौजवान को गोलियां मार दी गईं। 1 माह में शहादतों की तादाद 54 हो गई, 29 जख्मी। 82 को गिरफ्तार किया गया, 25 घरों को भी तबाह कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमतें कम करने का फैसला। इस जमन में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भेज दिया गया। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक की ऐसी तमाम असामियां खत्म कर दी जाएं जो गुज़िश्ता 1 साल से खाली है। पंजाब के वाहिद सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई और उसके पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे खत्म हो गए। वाइस चांसलर की तनख्वाह में 50% और ग्रेड 18 से 21 तक की तनख्वाहों में 35% कटौती कर दी गई। जून की तनख्वाह कटौती करके अदा की जाएगी। कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 91 अमवात, तादाद 4473। मजीद 4339 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1406, पंजाब में 1784, खैबर पख्तूनख्वा में 973, बलूचिस्तान में 129, गिलगित बल्तिस्तान में 28, आज़ाद कश्मीर में 32 और इस्लामाबाद में 129 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1,08,03,000 मरीज, हालात 5,18,000 हो चुकी। अमेरिका में 1,32,778, ब्राजील में 60,713, बरतानिया में 43,906, इटली में 34,788, स्पेन में 28,363 और मेक्सिको में 28,510 संवाद। लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने SOPs बनने और उन पर अमल दरामद तक सरकारी अस्पतालों की OPDs में काम ना करने का ऐलान कर दिया। कोरोना के हवाले से हर हुकूमती फैसला गलत साबित हो रहा है। हुकूमत ने साबित किया है कि वो अपनी जीत हेल्थ प्रोफेशनल्स पर लागू करना चाहती है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सिंध में लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तोसी, नोटिफिकेशन जारी। सिनेमा घरों, तफरीही मकामात, शादी हॉल्स, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे का खाब तहरीक इंसाफ के मंशूर में समोया था, अब अमली तामीर का आगाज हो चुका। लोगों को अपने कामों के सिलसिले में लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस और इंतजामी मामलात मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। जनूबी पंजाब फंड्स को किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला इंतहाई अहम है। इजला अब फंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होंगे। सूबाई वसाइल आनी फार्मूले के तहत तकसीम होंगे। हुकूमत का बुनियादी असलाहत की तरफ एक बड़ा कदम है। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, हिम्मत है तो मेरे सामने तकरीर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम को चैलेंज, कहा NRO नहीं चाहिए, किसी सच्चे हैं तो के सच्चे हैं तो सजा दें। जिन चैलेंजेस का आज सामना है पहले कभी नहीं था। मामला बेहतरी की बजाय बिगड़ रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों के जरिए जेबों पर डाका डाला गया। बजट में गरीब आवाम के लिए तकलीफ, अमीर के लिए रिलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना का अजलास, पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब। मामला मिस हैंडल किया गया, वज़रा की राय।
वज़ीर-ए-आज़म PIA में शफाफियत लाना चाहते हैं, जिन पर शक था उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए, जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। वज़ीर-ए-तलाश शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का तारीखी फ्रॉड, मुतासरीन का एहतजाज, रकम की वापसी का मुतालबा। करप्ट मगालिकान की दोस्त धांधली जारी, कब्जा ग्रुप नदीम एजाज की टीवी टुडे और मुतासरीन को धमकियां, लुटने वालों ने इज्तिमाई फोरम बना लिया। इस्लामाबाद में लाइक करती है तो CDA और अगर रावलपिंडी में लाइक करती है तो RDA, दोनों के NOC हैं, अगर नहीं है तो फिर वो सोसाइटी तो ना हुई ना, सोसाइटी तो वो तब बनेगी या टाउन तब बनेगा या लीगल एंटिटी तब बनेगी जब उसके पास NOC होगा, अभी तो उसके पास NOC नहीं है। बाकी कोई वज़ीर-ए-आज़म के साथ जितनी मर्जी तस्वीरें बनवा ले, जितनी मर्जी वहाँ डोनेशन दे ले, जितनी मर्जी वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम में कोई बंदा बनाना चाहता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता ना। हसास अदारों का नाम इस्तेमाल करने पर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान की मुसम्मत, दानिश्वरों अहले इल्म और मुतासरीन का आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में PUBG गेम पर आरजी पाबंदी आयद, बच्चों की जिस्मानी जहनी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं, PUBG बारे शिकायत मौसूल हुई, PTA का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार की लाहौर में सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात, अमीर जमात इस्लामी कहते हैं घड़ी और छड़ी साथ होने के बावजूद हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। फारूक सत्तार ने कहा सूरत हाल गंभीर के बजाय खौफनाक हो गई, नाहली पर नालायकी का तड़का लग गया, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। बिलावल तनकीद से कबल अपने गरेबान में झांके, सुन ले किसी करप्ट को रायात नहीं दी जाएगी। फियाजुल हसन चौहान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीदी नश्तर, कहा दुनिया भर में पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों, मनशियात फरोशों और करप्ट अनासर से ताल्लुकात का चर्चा है। बनोअकल में कौमी शाहरा पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर ड्राइवर की गिरफ्तार कर लिया, तीनों लाशों और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर फिर शदीद तनकीद, कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन को करार दे दिया, चीन ने कोरोना जान बूझ कर दुनिया में फैलाया, कोरोना ने दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया, सूरत हाल देख कर चीन पर गुस्सा आता है, अमरीकी सदर का चीन पर इजहार बरहमी। कोरोना के मईशत पर गहरे साए, यूरोपीय फजाई कंपनी एयरबस शदीद माली मुश्किलात से दोचार, दुनिया भर में 15,000 मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला, लंदन न्यूकासल समेत कई ममालिक में सर्वे बंदिश का फैसला। रूसी सदर प्यूटन की एक बार फिर जीत, सदारती रेफरेंडम में 77% वोट ले लिए, 2036 तक सदर मुंतखब, सदर प्यूटन का 2 दहाइयों पर वही तबील तरीन मुद्दत सदारत का रिकॉर्ड कायम। और कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट नेगेटिव, 6 खिलाड़ियों को इंग्लैंड रवानगी की इजाजत मिल गई, मोहम्मद हफीज, शादाब, वहाब रियाज, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होंगे। मीठी मीठी बातें बताऊंगा TV 2 पर, मैं हूं शजोदीन, खबर सबसे पहले।